तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक हाउस पर। जैसे कि फिर यहाँ पर आपको Oppo का A52 नजर आ रहा होगा, ये ऑफलाइन मार्केट के अंदर काफी पॉपुलरिटी बढ़ रहा है। इसके यहाँ पर तीन फोन आने वाले थे इस सीरीज के, जिसमें Oppo A50 कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। फुल डिटेल रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ और यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या खास चीजें और आपको कितने की प्राइस में यहाँ पर इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा बताने वाला। तो वीडियो पर बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पहली बार विजिट कराए सब्सक्राइब बटन दबाकर जुड़ जाइए टेक हाउस की फैमिली के साथ और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से बॉक्स को अनबॉक्स कर देते हैं और यहाँ पर अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ डिटेल के अंदर आपको। तो सबसे पहले तो फोन केस आपको कैसा क्या मिलता, ये हमारी सेम ओपनिंग की ट्रू, ये काफी फोन का केस नॉर्मल अच्छा है। सारे फोन ओप्पो और वीवो के दो ऐसे ब्रांड है जिसमें फोन केस काफी बेहतरीन से आपको मिलने को मिल जाए। तो यहाँ पर आपको एक फास्ट चार्जर मिल जाता है, 18 वाट का ईयरफोन मिल जाते हैं, ये काफी बढ़िया से पैकेजिंग काफी बेहतरीन, और साथ ही साथ आपको टाइप सी का पोर्ट भी यहाँ पर केबल मिल जाएगी जिससे आपका फोन बहुत जल्दी यहाँ पर चार्ज होने, क्योंकि 5000mAh की बैटरी है तो फास्ट चार्जर आपके लिए काफी बेहतरीन से यहाँ पर होने वाला। तो फ्रेंड जैसा कि फोन में राहत ना जगह मैं आपको यहाँ पर बूटअप कर देते फोन और साथ ही साथ इसके यहाँ पर हम फिजिकल ओवरव्यू की भी बात कर लेंगे। जैसे कि फोन बूटअप होता है तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि पीछे की तरफ आपको काफी बढ़िया बेहतरीन सा कलर मिल जाएगा, प्रिज्म ब्लैक कलर। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कैमरे का जो बम्प है वो काफी यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा उठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। नॉर्मली सारी फोन के अंदर यही आपको पीछे की तरफ डिजाइन देखने को मिलती है फोन के अंदर। और मैं आपको यहाँ बताऊँ तो राइट साइड आपको पावर ऑन ऑफ की मिल जाती है, और सबसे खास बात ये कि इसी के ऊपर आपको फिंगरप्रिंट सेंसिंग की क्वालिटी भी यहीं पर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है नीचे की तरफ मैं बताऊँ टाइप सी पोर्ट, यहाँ पर आपको 3.5mm का जैक और यहाँ पर स्पीकर ग्रिल भी देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको वॉल्यूम की साइड में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर ट्रे, आपको तीन स्लॉट मिल जाते हैं, दो सिम के लिए एक माइक्रो एसडी कार्ड भी फोन के अंदर यूज़ कर पाएंगे जिससे आप अपने फोन की स्टोरेज की कैपेसिटी को और यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि फोन बूटअप हो चुका है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी के अंदर देखने को मिल जाती है। चलिए फिजिकल ओवरव्यू के बाद अब अंदर क्या क्या चीज़ मिलती है उसके बारे में जान लें, आपको दिखा देता हूँ काफ़ी बढ़िया इसके अंदर जो डिस्प्ले क्वालिटी है। तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस का आपको यहाँ पर फुल एच डी प्लस IPS रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर फोन के अंदर हमें थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगता है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट को मैं क्लियर करूंगा तो उसके अंदर आपको यहाँ पर सुपर एमोलेड और एमोलेड तो मिल जाना चाहिए था। अब मैं बात करता हूँ कैमरा की, तो कैमरा यहाँ पर आपको पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है जिसमें आपको 12+8+2+2 के क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। तो चलिए मैं आपको उसको ओपन करके दिखाता हूँ, और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाती है। जो इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा, आपको यहाँ पर नाइट मोड दिख जाता है, वीडियो क्वालिटी है, तो वीडियो यहाँ पर आपको किस क्वालिटी के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 4K के अंदर भी इसके अंदर अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, ये सबसे खास चीज है। 30 FPS का सपोर्ट साथ ही साथ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फोटो फ्रेम के अंदर आपको 5x तक का जूम यहाँ पर अपने फोन के अंदर कर सकते हैं, तो ये काफी बढ़िया चीज है। कैमरे के अंदर पिक्सल रेजोल्यूशन काफी कम है लेकिन जो क्वालिटी है वो काफी बेहतरीन। अगर आपको कैमरा कंपेरिजन पूरा चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाती है। और अब बात करते हैं फोन के यहाँ पर प्रोसेसर क्वालिटी को लेकर, तो प्रोसेसर थोड़ा सा कम है लेकिन फोन की ग्रिप वगैरह हैंडलिंग वगैरह काफी बढ़िया सी है। तो यहाँ पर आपको फोन के अंदर स्नैपड्रैगन का 665 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो गेमिंग क्वालिटी के लिए बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा और अगर अपडेट के साथ आता है फोन तो काफी और आपके लिए बेहतरीन हो सकता था, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में हमने जैसे पहले बात करी यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसर आपको 712 का तो मिल जाना चाहिए था। अब बात करते हैं फोन के बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर फोन के अंदर आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है। ये खास चीज है ओप्पो के फोन के अंदर कि आपको 5000mAh की बैटरी यहाँ पर फोन के अंदर देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ 18 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। तो ये साफ के बढ़िया चीज़ है कि आपने फोन को आप बहुत जल्दी चार्ज भी कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म बैटरी ड्यूरेशन आपका फोन यहाँ पर ये देने वाला है। तो ये फोन जो है 6GB 128GB के साथ आपको मिल जाता है इंडियन मार्केट के अंदर, और इसकी जो प्राइस सेगमेंट मैं आपको क्लियर करूँ तो ये फोन आपको 16,990 मतलब कि 70,000 की कीमत के अंदर ये इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो ऑफलाइन मार्केट के अंदर हमेशा ओप्पो रिव्यू के फोन ऐसे आते हैं जो काफ़ी बेहतरीन से आपके सामने होते हैं, लेकिन चीज़ें कुछ थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं तो यहाँ पर वो भी आपको मैं अगली वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ, इसे कंपेरिजन में दूसरे फोन से करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पहली बार विजिट कराए सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए टेक हाउस की फैमिली के साथ।